आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग धारा 190। मैं आपको बता चुका हूँ 190 में क्या था, ड्यूटी थी किसकी, एजेंट की। क्या ड्यूटी थी कि जो उसको प्राधिकार मिला हुआ है, वो जो उसको डेलीगेटेड पावर है, वो उसको फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेयर का एक मैक्सिम भी बताया था। तो चूंकि 190 में बता चुका हूं, इसलिए इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, बस उसको रेफरेंस में ले रहा हूं। तो वहां पे ये बात आई है कि डेलीगेट नहीं किया जा सकता जो ड्यूटी है या जो उस पे उसको कार्य दिए गए हैं एजेंट को, वो दूसरे को नहीं दे सकता अपना प्राधिकार। तो ये एक सामान्य नियम है जो कि 190 में बताया गया। तो 190 को ही हम पहले देखेंगे। 190 में ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट लिखा था ना, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। अभिकर्ता कब प्रत्यायोजन नहीं कर सकता, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एन एजेंट कैन नॉट लॉफुल इंप्लाय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स व्हिच ही हैज एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली। जिस चीज को उसने व्यक्तिगत रूप से परफॉर्म करने के लिए दायित्व ले रखा है, वो किसी और को आगे उस अधिकार को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। ये सामान्य नियम है। इसकी कुछ तीन बिंदुओं में हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे, अपवादों की बात करेंगे कि किन स्थितियों में ऐसा प्रत्यायोजन, ऐसा डेलीगेशन किया जा सकता है। कार्य की प्रकृति ऐसा कह रही है कि यहाँ पे एक सब एजेंट नियुक्त किया जा सकता है या एजेंट के द्वारा अपना कार्य किसी और को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, जो कि 190 में प्रोहिबिटेड है। तो उसके एक्सेप्शन में अगर कार्य की प्रकृति ऐसी है, क्या है, पहला है कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ जो वर्क उसको दिया गया है, उसमें अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि उसको किसी और को बिना काम डेलीगेट किए काम नहीं हो पाएगा, तो एजेंट कैन डेलीगेट हिज पावर्स टू परफॉर्म द ड्यूटी विच ही हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली। तो कार्य की प्रकृति पे निर्भर करेगा। जैसे कि मान लीजिए उसने किसी को किसी वाद का, किसी सूट को डिफेंड करना है या किसी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, तो क्या होगा, वो किसी सॉलिसिटर को एम्प्लॉय कर सकता है ना। तो ये हुआ कार्य की प्रकृति। और दूसरा क्या है, अगर व्यापारिक रूढ़ ही यानी जो बिजनेस हो रहा है वो क्या है, उसमें कोई कस्टम्स हो, उसको कह सकते हैं ट्रेड कस्टम्स। अगर कोई व्यापारिक रूढ़ ही है और उसमें ऐसी बातें हो सकती हैं कि वो अपना काम किसी और को कह सकता है करने को, तो वहां पे ये चीज वैलिड होगी, 190 के प्रावधानों में, मतलब अपवाद के रूप में शामिल कर ली जाएगी। तीसरा, लिपिक कार्य हैं। अगर कोई मिनिस्ट्री एक्शन होना है, सिर्फ लिखा पढ़ी होनी है और वो कोई एक अकाउंटिंग का बंदा ही कर सकता है, तो ठीक है, उसको आप दूसरे को दे दो ना करें। लिपिक कार्य संबंधी मिनिस्ट्रियल एक्शंस वो डेलीगेट कर सकता है। और अंतिम अगर एक बिंदु है, मालिक की सहमति, अगर मालिक से सहमति मिल जाए, मालिक कंसेंट दे दे, प्रिंसिपल कंसेंट दे दे कि भाई ठीक है, तुम अपने कार्य को परफॉर्म करने के लिए किसी और को नियुक्त कर सकते हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब मालिक की ही सहमति मिल गई है, तो वहाँ पे एजेंट के द्वारा सब एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। ये चार जो हैं, आप समझिएगा, ये अपवाद हैं किसके, 190 के, क्योंकि 190 में कहा गया है कि एजेंट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट हिज पावर्स। ठीक, अब देखते हैं कि सब एजेंट आखिर हुआ क्या।
अब ये जब चीज़ अगर ये दूसरे को डेलीगेट कर दी जाती है, ये डेलीगेट यहाँ पे कर दी जाएगी, तो ये बंदा क्या कहा जाएगा? सब एजेंट। तो सब एजेंट की अस्तित्व भी एक तरह से 190 से ही आता है, और इसको हम 191 में इसकी परिभाषा देखते हैं। सब एजेंट डिफाइंड 191 से इज अ सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। अब देखिए बहुत यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ कही गई है इसके नियुक्ति के बारे में और इसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसके बारे में। इसमें कहीं भी मालिक का नाम नहीं आया है, ध्यान दीजिए 191 को पकड़ के रखिएगा कि इट इज सब एजेंट इज, सब एजेंट इज 191 कह रहा है पहली बात एम्प्लॉयड। यहाँ से अभी जब हम 192-93 देखेंगे तो ये लाइन बहुत काम देगी समझने में, एम्प्लॉयड बाय एंड अंडर कंट्रोल ऑफ, दो चीजें यहां पे बता रहा है किसके, ओरिजिनल एजेंट। देखिएगा कंट्रोल नियंत्रण बहुत बड़ी चीज होती है, और एम्प्लॉयमेंट किसके द्वारा हो जा रहा है, एजेंट के द्वारा। एजेंट जब एक अपने अंडर में किसी को अपनी सहायता के लिए उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में नियुक्त कर रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है एम्प्लॉयड। तो जब एम्प्लॉयड बाय एजेंट है तो वो बंदा सब एजेंट हुआ। तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी के द्वारा एम्प्लॉयड हैं तो भले ही जिसके द्वारा एम्प्लॉयड हैं उसका मालिक कोई और है, लेकिन हमारी जवाबदेही कहाँ होगी? हमारी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ जो बंदा हमको एम्प्लॉय किया हुआ है, मेरे को एम्प्लॉय किया हुआ है, उसी तक होगी। मेरी जवाबदेही वहाँ नहीं होगी, कहाँ? जो मेन प्रिंसिपल है जिसने हमारे एम्प्लॉयर को नियुक्त किया हुआ है, और जो मेन एम्प्लॉयर है उसके प्रति जवाबदेह कौन होगा? मेरा एम्प्लॉयर। मेरी गलतियाँ होंगी, मेरा एम्प्लॉयर जाके उसको जवाब दे, क्योंकि मेरे एम्प्लॉय। ये चीज़ इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ये अभी 192-93 में मामला आएगा, फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। तो सब एजेंट आप समझ गए, अ सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, एक शब्द और है जो कार्य कर रहा है ना, अंडर द कंट्रोल फॉर व्हाट, एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट लिखा हुआ है, इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, जिस एजेंसी के कार्य में व्यवसाय में ये बंदा मेन एम्प्लॉयर मेन एजेंट है, उसने अगर एम्प्लॉय किया हुआ है तो ये आदमी जो है इस तरह से एम्प्लॉय किया गया सब एजेंट कहा जाता है। ठीक, पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ सब डेलीगेशन। ये जो हम उप प्रत्यायोजन कर रहे हैं, प्रत्यायोजन कर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या होगा? तो इसका प्रभाव हमें 192 और 193 में मिलता है, इफेक्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ सब एजेंट। अगर सब एजेंट को प्रत्यायोजित कर दिया जा रहा है कोई कार्य एजेंट के द्वारा, तो उसका प्रभाव क्या होगा? ये प्रभाव हमको मिलता है 191 पढ़ चुके, 192 में मिलेगा और 193 में मिलेगा। और किस रूप में मिलेगा देखना ये है कि मान लीजिए अगर कोई नियुक्ति उचित तरीके से की गई है, ठीक है, उचित तरीके का क्या मतलब हुआ? एजेंट हैज राइट, यानी ये जो अभी अपवाद आपने देखे, वैसे तो 190 में नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है सब एजेंट का, सब एजेंट को नियुक्त करने का अधिकार एजेंट को नहीं है, लेकिन अगर इन अपवाद जो हमने पढ़ा इनके तहत उसको अधिकार मिल जाता है और उसने एजेंट सब एजेंट की नियुक्ति एजेंट के द्वारा की गई है, तो ये कहा जाएगा कि दैट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। हु इज प्रॉपरली अपॉइंटेड? सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। तो प्रॉपरली का अर्थ ही यही हुआ कि एजेंट को अगर सब एजेंट नियुक्त करने का अधिकार है तो अधिकार कहां से मिल रहा है? हमने देखा चार अपवादों से। ठीक, तो अगर नियुक्ति ठीक तरीके से की गई है तो उसका क्या प्रभाव होगा, और अगर यही नियुक्ति सब एजेंट की जिसको कहेंगे कि विदाउट अथॉरिटी की गई है, प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, अनुचित तरीके से की गई है, तो प्रभाव क्या होगा? तो पहली बात जो कही गई है प्रॉपरली अपॉइंटेड की बात,
तो प्रॉपरली अपॉइंटेड बताया गया है सेक्शन 192 में। इफ क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, हाईलाइट कर लीजिएगा, प्रॉपरली अपॉइंटेड मतलब कि अगर उचित तरीके से उसकी नियुक्ति हुई है तो 192 में उसकी नियुक्ति के क्या प्रभाव होंगे ये बताया गया है। ठीक है, तो पढ़िए, वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड द प्रिंसिपल इज, जब देखिए अपॉइंट अगर कोई किया गया सब एजेंट और उसने कोई कार्य किया और एजेंट सब एजेंट जो है वो सही तरीके से नियुक्त है, तो मान लीजिए कि वो कोई कार्य करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होते हैं उसके लिए प्रभाव किस पे पड़ेगा, प्रभाव किस पे पड़ेगा, क्या एजेंट पे पड़ेगा या प्रिंसिपल पे पड़ेगा, चूंकि पूरी एजेंसी के वर्किंग के लिए एजेंट ने सब एजेंट नियुक्त किया और वो प्रॉपरली अपॉइंटेड है, तो जो भी वो एक्ट करेगा उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी परिणाम होंगे उससे प्रभावित अल्टीमेटली होगा आपका मालिक। तो इसलिए मालिक के दायित्वों के बारे में कहा गया है, ये देखिए क्या है कि वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड द प्रिंसिपल इज, सो फॉर एज रिगार्ड्स थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन माने कौन, जिससे सब एजेंट डील कर रहा है, तो सब एजेंट के कार्यों से इस पे प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके लिए कौन दायी होगा, प्रिंसिपल, ये यही कहा गया है, देख लेते हैं। द प्रिंसिपल इज सो फार एज रिगार्ड्स थर्ड पर्सन्स रिप्रेजेंटेड बाय सब एजेंट एंड इज बाउंड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स, दो बातें कहा जा रहा है, प्रिंसिपल क्या होगा, इसके जो सब एजेंट है, इसने जो थर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन किया है उसके लिए क्या होगा, बाउंड बाय, ये क्या होगा, पहली चीज ध्यान में दीजिएगा, बाउंड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट्स डन बाय सब एजेंट, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पार्टी से जो सब एजेंट ने संव्यवहार किया है एजेंसी के कार्य में, ट्रांजैक्शन जो भी सब एजेंट के द्वारा किया गया है उसके कृत्यों से, ठीक है, बाध्य होगा और दायित्वाधीन भी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और बाउंड होगा, कौन, ये आपका प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा समझ लीजिएगा, सब एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया है, सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड है, तो ये जो भी कार्य करेगा, एक्ट्स होंगे इसके, एक्ट्स जो होंगे उनसे थर्ड पार्टी के प्रति, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पार्टी के प्रति प्रिंसिपल बाध्य होगा और रिस्पॉन्सिबल भी होगा, दायित्वाधीन भी होगा, ऐसे मानो जैसे ये जो सब एजेंट है ओरिजिनली मूलतः प्रिंसिपल के द्वारा ही अपॉइंट किया गया हो, एज दिस सब एजेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल ओरिजिनली, अगली लाइन यही लिखी है, पढ़ लीजिए, बाउंड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स एज इफ जो शब्द है, मानो कि ही वर एन एजेंट ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल। अब यहां प्रिंसिपल को समझने की बात है, प्रिंसिपल ओरिजिनली किसको अपॉइंट कर रहा है, एजेंट को, और एजेंट ने अगर सब एजेंट की नियुक्ति यहां कर दी है वो भी प्रॉपर अपॉइंटमेंट है, तो थर्ड पर्सन से जो भी ट्रांजैक्शन ये करेगा सब एजेंट उसके लिए, उन कार्यों के लिए प्रिंसिपल उसी तरह से दायी और बाध्य होगा मानो प्रिंसिपल ने उसको स्वयं ही नियुक्त किया हो, बात समझ में आई, कुल मिला के लब्बो लुआब इतना है कि अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो वो जो भी कार्य करेगा उसके लिए, उन कार्यों के लिए थर्ड पार्टी के प्रति, शब्दों को बहुत पकड़ के रखिएगा, उन कार्यों के लिए थर्ड पार्टी के प्रति, तृतीय पक्षकार के प्रति प्रिंसिपल मालिक दायित्वाधीन होगा व बाध्य होगा मानो जैसे उसने ही उस सब एजेंट की नियुक्ति मूल रूप से की हो। अब दूसरी बात आती है, अगर
अपॉइंटमेंट सही नहीं है। अब 193 की बात करते हैं, 193 में कहा गया, जैसा मैं बता रहा हूं कि अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट की बात की जा रही है, एंड इन 193 इट इज गिवन इफेक्ट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ सब एजेंट, इफेक्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ सब एजेंट इफ सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। प्रभाव बताया जा रहा है सब एजेंट के प्रत्यायोजन का, सब एजेंट को अगर अधिकार प्रत्यायोजित सब एजेंट के द्वारा किए जा रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा यदि सब एजेंट अनुचित तरीके से, उचित और अनुचित इन्हीं दो के हेडिंग्स में आपको इसको बताना है कि इसका प्रभाव क्या होगा। तो उचित होगा ठीक है, आप समझ चुके हैं 192 में। अनुचित अगर हो गया, अनुचित माने क्या हुआ कि अगर उन तीन चार अपवादों के अलावा बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट, एजेंट इज अपॉइंटिंग एनी सच पर्सन एज सब एजेंट, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट, गो थ्रू 193। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी, इसको बहुत थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दिक्कत इसमें थोड़ी सी है। वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो, अब सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी, सब एजेंट को नियुक्त कौन करता है, 191 में आप देख चुके एजेंट नियुक्त करता है। अब एजेंट को अगर ये अथॉरिटी नहीं है, विदाउट अथॉरिटी की जो बात हो रही है वो एजेंट के बारे में बात हो रही है, इफ एजेंट हैज नो अथॉरिटी टू अपॉइंट एनी सब एजेंट तो क्या होगा, 193 में फिर से देखते हैं, वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो हैज अपॉइंटेड अ पर्सन टू एक्ट एज अ सब एजेंट, ये जो एजेंट हैं नो अथॉरिटी इवन देन ही इज अपॉइंटिंग, नो अथॉरिटी टू अपॉइंट, फिर भी अपॉइंट कर रहा है किसको, सब एजेंट को, तो क्या होगा। दो बातें कही गई हैं इसमें, दो हेडिंग में इसको समझने का है, बहुत ठीक से समझिएगा। द एजेंट स्टैंड्स टूवर्ड्स सच पर्सन इन द रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल टू एन एजेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट बोथ टू द प्रिंसिपल एंड टू द थर्ड पर्सन। क्या कहा गया है, किसी अभिकर्ता ने यदि, जहां की किसी अभिकर्ता ने उपाभिकर्ता नियुक्त करने के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उपाभिकर्ता की हैसियत में कार्य करने के लिए नियुक्त किया हो, वहां अभिकर्ता की उस व्यक्ति के प्रति हैसियत वैसी ही है जैसी अभिकर्ता के प्रति मालिक की होती है। तो यहां क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर एजेंट ने विदाउट अथॉरिटी किसी को सब एजेंट नियुक्त कर दिया है तो क्या हुआ, क्या होगा, द एजेंट stands towards such person in relation of a principal to an agent। इस लाइन को समझिएगा, ये जो लाइन कही गई ये क्या होगा, अगर ऐसा करता है तो एजेंट की जो पोजीशन होगी, जो उसकी स्टैंडिंग होगी वो किस तरह की होगी, जैसे प्रिंसिपल की एजेंट के प्रति होती है। इसको समझिए, अगर एजेंट ने सब एजेंट नियुक्त किया विदाउट अथॉरिटी तो इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा होगा, यानी एजेंट की हैसियत क्या होगी, यह इस लाइन में बताया गया है कि द एजेंट स्टैंड्स टुवर्ड्स सच पर्सन, सच पर्सन माने इस सब एजेंट के लिए कैसे स्टैंड करता है, मानो प्रिंसिपल एजेंट के लिए हो। जैसे अब इसको समझिए कि एजेंट जब अगर कुछ गड़बड़ करता है, उसकी कोई गलती होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में थर्ड पार्टी को कुछ नुकसान होगा, तो अगर ये प्राधिकार में काम किया गया है, प्रोवाइडेड दैट, इसको जोड़ लीजिएगा कि एजेंट ने अपने सारे प्राधिकार में काम किया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो रहे हैं कि थर्ड पर्सन को नुकसान हुआ, तो उसके लिए लाइबल कौन होता है, प्रिंसिपल लाइबल होता है ना। तो वही चीज यहां आ रही है कि एजेंट ने अगर विदाउट अथॉरिटी सब एजेंट को नियुक्त कर दिया है तो एजेंट इस सब एजेंट के लिए प्रिंसिपल होगा।
अब जब प्रिंसिपल एजेंट होगा तो बात ध्यान यहीं पे निकल के आएगी कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उससे सब एजेंट का कोई लेना देना नहीं है। इसी लाइन से आप समझ लीजिए 193 में इस सब एजेंट के लिए प्रिंसिपल होगा ये एजेंट, एजेंट की हैसियत प्रिंसिपल की हो जाएगी और जो कुछ इसकी गलती होगी उसके लिए जिम्मेदार होगा ये एजेंट। ये बात यहां समझने की है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स बोथ टू द प्रिंसिपल एंड टू थर्ड पर्सन। ये हैं एजेंट, इन्होंने सब एजेंट बनाया, सब एजेंट बनाया और विदाउट अथॉरिटी सब एजेंट बना दिया। तो ये जो धारा 193 कह रही है वो ये कह रही है कि ये इसके प्रति वैसे ही होंगे जैसे प्रिंसिपल होता है अपने एजेंट के लिए, यानी इनके लिए जैसे इनका प्रिंसिपल होता है वैसे ही इस सब एजेंट के लिए ये मालिक बन जाएंगे। अब मालिक बन जाएंगे तो इनकी जिम्मेदारी हो गई ना, इन्होंने विदाउट अथॉरिटी नियुक्त किया था, तो इसकी वजह से अगर सब एजेंट के एक्ट से नुकसान किसको किसको हो सकता है भाई? पहली बात तो थर्ड पार्टी को हुआ और थर्ड पार्टी को नुकसान होगा तो वो क्लेम करेगा किसको? एजेंट के थ्रू मालिक को, तो मालिक को नुकसान होगा, प्रिंसिपल को नुकसान होगा। तो आप देखिए, अब इन्होंने अगर 192 को ध्यान में रखिएगा, अगर ये अपॉइंटमेंट प्रॉपर होता तो सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल के ऊपर चली जाती, लेकिन यहाँ पे ये एजेंट ने जो अपॉइंटमेंट किया है ये विदाउट अथॉरिटी किया है, सो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे वो थर्ड पार्टी के प्रति हो चाहे प्रिंसिपल के प्रति हो किसकी बन जाएगी? एजेंट की बन जाएगी। जो भी जिम्मेदारियाँ हुई हैं उत्पन्न सब एजेंट की नियुक्ति के कारण, ठीक है आगे और देख लेते हैं। द प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई और रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पर्सन सो एम्प्लॉयड। अब यहीं पे प्रिंसिपल को, या यहां कह लीजिए ये प्रिंसिपल जो हैं, मेन प्रिंसिपल ने किसको नियुक्त किया होता है? एजेंट की नियुक्ति करता है, और एजेंट इम्प्रॉपर वे में सब एजेंट की नियुक्ति कर दिया, तो सब एजेंट की नियुक्ति के लिए इसके कार्यों के लिए प्रिंसिपल इज नो रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। ये चीज ध्यान देने वाली है, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी कीमत पे, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में लाइएगा, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यहां क्रिएशन नहीं हुआ है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां नहीं होता है। ही इज नॉट अपॉइंटेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्सन बिकॉज नॉट अपॉइंटेड, सो ही कैन नॉट रिप्रेजेंट दैट प्रिंसिपल। सो द एक्ट्स फॉर द एक्ट्स प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। ये बात समझने की है, एक्ट्स फॉर क्या गया है, न इसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को, न प्रिंसिपल इसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द पर्सन सो एम्प्लॉयड। मतलब ये जो सब एजेंट है जो इम्प्रॉपर वे में अनुचित तरीके से नियुक्त हुआ है उसके, नॉर इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। ध्यान दीजिए, ये बंदा भी ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल नहीं दाई है तो ये प्रिंसिपल के प्रति दाई हो रहा है, ये भी नहीं दाई हो रहा है, ये दाई होगा एजेंट। अब एजेंट इनसे निपटे और जो नुकसान होगा मालिक इनसे निपटेगा, ठीक। तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनता है, ये ऐसा 193 कह रहा है। ध्यान रखिएगा 90 से 193 तक आपने क्या पढ़ा? सब एजेंट, ठीक है। सब एजेंट में एक चीज और है, ये बाकी तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है प्रिंसिपल इनके किसी कार्यों के लिए, ना ये सब एजेंट किसी चीज के लिए उनके दाई होते हैं, लेकिन अगर कोई काम सब एजेंट ने कपट पूर्वक कर लिया है या इन केसेस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग, ठीक है, अगर ये दो बात हुई है, अगर सब एजेंट ने ये दो काम किए हैं तो सब एजेंट, जो कहा गया ना कि सब एजेंट किसी काम के लिए दाई नहीं है प्रिंसिपल के, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ काम किया है जो फ्रॉड है और विलफुल रॉन्ग है, क्या है, शासे दुराचरण या कपट, ये है
कपट या शासय, साशय दुराचरण, विलफुल मिसकंडक्ट जिसको कहेंगे, अगर ये काम किया है उसने, तो प्रिंसिपल को एक राइट मिल जाता है। क्या राइट मिल जाता है? कि वो चाहे तो इनके ऊपर केस कर सकता है। कौन? प्रिंसिपल। वैसे इससे प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं है। इन दीज केसेस इट्स अ चॉइस ऑफ प्रिंसिपल टू ब्रिंग एन एक्शन। इट इज चॉइस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इट्स चॉइस ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ये उसको एक ऑप्शन मिल जाता है, चॉइस ऑफ प्रिंसिपल। चॉइस किस चीज का है ये भी समझिए। चॉइस क्या होती है? कि वो चाहे तो एक कैन ब्रिंग एन एक्शन, कैन ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके? या तो एजेंट के अगेंस्ट ला ले या सब एजेंट के अगेंस्ट। वो कोई, चूंकि अब ये थोड़ा चला जाएगा आईपीसी ओपीसी वाले मामले में, ठीक है, तो उसके पास ये एक्शन की बात यहां हुई है कि वो चाहे प्रिंसिपल तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकता है। यहां पे थोड़ा सा इसको ये दिया गया है।